आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जनपद बस्ती के हरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया के उद्घाटन के लगभग 24 साल के बाद आज पहली बार एक गर्भवती महिला ने सफल ऑपरेशन से लड़की को जन्म दिया। महिला आयुषी पांडे, पत्नी आशीष धर द्विवेदी, उम्र 26 साल, ग्राम बरसाव थाना दुबौलिया की निवासी हैं, जो प्रसव से पीड़ित थी, जिसमें इनका ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प था। मरीज सीएससी हरैया अपने परिजन के साथ मंगलवार को 1 बजे पहुंची थी। समस्त जांच के उपरांत इनको भर्ती किया गया। महिला ने ऑपरेशन के बाद 3:30 पर एक लड़की को जन्म दिया। ऑपरेशन करने की मुख्य भूमिका डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ल, अधीक्षक एनेस्थीसिया सर्जन, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर आर के यादव, बाल रोग विशेषज्ञ, मनोज सिंह, शालिनी मिश्रा, अश्विनी दुबे, धीरेन्द्र मिश्रा इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑपरेशन से पैदा हुई बच्ची का वजन 3.1 किलोग्राम है और मरीज को 1 हफ्ते के लिए सीएससी पर भर्ती किया गया है। 1 हफ्ते के बाद टांका कटने के उपरांत जच्चा और बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति को देखकर उसे छुट्टी दी जाएगी। तब तक मरीज एवं बच्ची को गहन निगरानी में रखा जाएगा। इस कार्य से तहसील के लोगों तथा अन्य लोगों ने अस्पताल के कर्मचारियों की सराहना की। हरैया सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ला ने कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य में सहयोग को सराहनीय बताया। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर।